हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बीजी में कैसे हम कंपनी का बैकअप लेते हैं और डाटा को रिस्टोर करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस को लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कंपनी में काम करते हो तो आपको उसका बैकअप लेना चाहिए। अगर आपकी कंपनी डिलीट हो गई है और आप कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह देखना चाहते हो तो आपने अगर बैकअप लिया हुआ है तो आप इजीली देख पाओगे। अगर आपने बैकअप नहीं लिया हुआ है और आपकी कंपनी भी डिलीट है तो आपके पास वो डाटा है ही। अगर आपने बैकअप लिया हुआ है तो आपको जब भी उस कंपनी का डाटा चाहिए तो आप उसको रिस्टोर करके उसको यूज़ कर सकते। उसके लिए पहले आपको बीजी को ओपन करना होगा। बीजी को ओपन करने के बाद आपको कंपनी ओपन नहीं करनी है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कंपनी। जब भी आपकी कंपनी ओपन होती थी तो आपको ये सारे ऑप्शन शो नहीं करता था, तो आपको सिर्फ ओपन कंपनी एंड एग्जिट कंपनी शो करता था। अभी आपको ये सारे ऑप्शन शो कर रहा है। तो जब आपकी कंपनी बंद होगी तब भी आप कंपनी का बैकअप ले सकते हो, या फिर आप कंपनी का बैकअप जब कंपनी ओपन है तब भी ले सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कैसे आप मल्टी डे वाइज बैकअप ले सकते हो। पहले हम देख रहे हैं कि हमारी कंपनी बंद है और हमें बैकअप लेना है कंपनी का, तो हम कैसे लेंगे। हम कंपनी पे गए, कंपनी में हम बैकअप डाटा पे गए। बैकअप डाटा पे जाने के बाद आपके पास आपको यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसका भी आपको बैकअप लेना है। मैं विदाउट ओपन कंपनी सेलेक्ट कर रही हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका कंपनी का पासवर्ड था आपको वो लगाना है यहाँ पे एंड ओके। ओके करने के बाद आपको कंपनी विदाउट ओपन या आपको शो हो रहा है। यहाँ पे आपके पास दो मेथड है बैकअप लेने की, एक तो है नॉर्मल बैकअप और सेकंड है एफटीपी बैकअप। नॉर्मल बैकअप में तो ये होता है कि आपको सीधा अपनी ड्राइव का पाथ बताना है जहाँ पे भी आप इसको सेव करना चाहते हो, बैकअप को रखना चाहते हो। और अगर आप एफटीपी बैकअप सेलेक्ट करते हो तो आपको सारा डाटा जो है ऑनलाइन स्टोर हो जाएगा। आपको सर्वर का नाम बताना है, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड बैकअप बताना है। अभी हम नॉर्मल बैकअप रख रहे हैं। नॉर्मल बैकअप के बाद आपको यहाँ से अपना पाथ सेलेक्ट करना है। मैंने किया लोकल डिस्क सी, सी के अंदर बीजी विन एंड डाटा सेलेक्ट किया, देन ओके। सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का डाटा रखना चाहते हो, ऑल फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल ईयर दिस। अगर आपके पास और भी फाइनेंशियल ईयर में काम किया है आपने उस कंपनी में तो वो यहाँ पे आपको सब शो करेगा। मैं ऑल फाइनेंशियल ईयर का डाटा रखना चाहती हूँ एंड इसको करूँगी ओके। प्रोसीडिंग फॉर द बैकअप ऑफ द कंपनी विदाउट ओपन एट लोकेशन, आपको ये सब लोकेशन बता रहा है और आपको इसको करना है ओके। ये आपका बैकअप इसने ले लिया। डू यू विश टू मेक अनदर कॉपी, अगर आप एक और कॉपी चाहते हो तो आप यस करके देन एक और कॉपी लोगे, आपको उसकी वजह से ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एंड इसको हमने बैक किया। तो अभी हमने क्या लिया है, अभी हमने कंपनी का बैकअप लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे मैंने बैकअप लिया है। सी देखो यहाँ पे आ गया ना डाटा बैकअप एंड डेक्स 1 TB, ये आपका बैकअप का है ओके। अभी हमने क्या देखा कैसे हम कंपनी का बैकअप लेते हैं, और अब हम देखेंगे कैसे हम मल्टी डे वाइज बैकअप ले सकते हैं। उसके लिए आपको कंपनी को ओपन करना होगा। मैं इसी कंपनी को ओपन कर रही हूँ। कंपनी ओपन करने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको बैकअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है। आपका ये बैकअप कॉन्फ़िगरेशन का ये ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ पे भी आपके पास टू ऑप्शन है, एक है नॉर्मल बैकअप, एक है एफटीपी बैकअप। एफटीपी बैकअप जो होता है आपका ऑनलाइन सर्वर के लिए होता है। अगर आप अपने बैकअप को ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ करोगे। एंड अगर आप नॉर्मल बैकअप रखना चाहते हो, अपने ड्राइव में रखना चाहते हो, तो आप इसका यूज़ करोगे। यहाँ पे आपको वीक डेज अकॉर्डिंग आपका जो बैकअप है स्टोर होता रहेगा। जैसे यहाँ पे मंडे लिखा है, मंडे का आप यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट करो। मैंने यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट किया लोकल डिस्क सी में, न्यू फोल्डर एंड इसको कर दिया ओके। यहाँ पे मैंने एक और ड्राइव सेट किया। जिस जिस डेज पे आपको अपना बैकअप लेना है, आप उसको सेट करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो। सेट करने के बाद मैंने इसी के अंदर लिया एंड ओके। ये सब सेट करने के बाद प्रमोट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी, जब भी आप कंपनी को बंद करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें ये लिखा होगा आपको कंपनी का बैकअप लेना है या नहीं लेना है। अगर आप चाहते हो कि आपको वो डायलॉग बॉक्स हमेशा बंद करने
पे शो हो बैकअप के लिए तो आप इसको यस करोगे। मैंने यस किया हुआ है क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम बैकअप लेना भूल जाते हैं। मैंने इस ऑप्शन को ओपन किया हुआ है कि आपको जब भी आप कंपनी बंद करो तो आपको ये बॉक्स शो हो और आप बैकअप अगर आपको लेना है तो आप ले पाओ। एक और ऑप्शन है इसमें एनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी। अगर आप इसको यस करते हो तो आपको बैकअप लेना ही पड़ेगा तभी आपकी कंपनी क्लोज होगी। बिना बैकअप लिए कंपनी बंद नहीं कर सकते। प्रमोट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी ये हमेशा शो होगा। ऐसा नहीं है कि मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे को होगा, ये ऑल 7 डेज शो होगा। ओके, पर अगर आप मंडे को अगर आप स्टोर करोगे तो आपका ये मंडे वाले फोल्डर में जाएगा, ट्यूजडे को करोगे ट्यूजडे वाले में जाएगा, वेडनेसडे को करोगे वेडनेसडे वाले फोल्डर में जाएगा। आप फोल्डर्स के नाम भी दे सकते हो। पहले ही आप ड्राइव में बना के रख लो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे और यहाँ पे वो सेट कर लो एंड देन उसको सेव कर लो। मैं इसको सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद अब मैं कंपनी को क्लोज करके दिखा रही हूँ। मैंने कंपनी क्लोज की, यस किया। यस करने के बाद डू यू वॉन्ट टू टेक बैकअप फॉर दी कंपनी विदाउट ओपन, विदाउट ओपन मेरी कंपनी का नाम है, क्या आप बैकअप लेना चाहते हो? अगर मैं यस करती नो करती हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, यस करूँ या नो। मैंने इसको यस किया तो आपको यहाँ पे पाथ बताना पड़ेगा जहाँ आप करना चाहते हो फाइनेंशियल ईयर एंड इसको ओके करके बैकअप फॉर कंपनी इसको यस कर दोगे एंड एंड इसको बैक। जब मैंने इसका दोबारा से का बैकअप लिया ना, जो मैंने पुराना बैकअप लिया था उसी के अंदर ये नया बैकअप रीस्टोर हो गया। ठीक है, अब मैं कंपनी को डिलीट करके दिखाती हूँ और उसको रीस्टोर करती हूँ। मैंने यहाँ से डिलीट कंपनी विदाउट कंपनी को सिलेक्ट किया और इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। मैं इसको डिलीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसका बैकअप लिया हुआ है और मैं इसको आपको रीस्टोर करके दिखा सकती हूँ। मैंने इसको किया कंप्लीट डिलीट, यस ओके। अब मैं रीस्टोर कर रही हूँ। अब मैं आपको पहले दिखाती हूँ, मेरे को यहाँ पे कंपनी ही शो नहीं करेगा। देखो विदाउट ओपन के नाम से मुझे कोई कंपनी शो नहीं कर रहा। अब मैं उस कंपनी को ओपन रीस्टोर करना चाहती हूँ। रीस्टोर पे क्लिक किया, यहाँ से आपने पाथ सेलेक्ट किया जहाँ पे भी आपने उसको रीस्टोर किया था कंपनी को एंड इसको ओके किया और इसको भी ओके किया। बैकअप फॉर द कंपनी, क्या आप इस कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू रिस्टोर इट? यस, मैं रिस्टोर करना चाहती हूँ, ओके किया। देन डाटा रिस्टोर सक्सेसफुली एंड इसको ओके करेंगे, इसे बैक करेंगे और अब देखेंगे हमारी कंपनी शो हो रही है यहाँ पे विदाउट ओपन, ये हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो ठीक है, आज हमने क्या देखा कि कैसे हम बैकअप ले सकते हैं, कैसे हम रीस्टोर कर सकते हैं और कैसे हम डेज वाइज बैक को सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। जब भी आप कंपनी को क्लोज करो तो बैकअप लेना मत भूलो। एंड हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे यूज़र्स के बारे में और हम देखेंगे कैसे हम यूज़र को अथॉरिटी दे सकते हैं बैकअप लेने की, कंपनी को चलाने की एक पर्टिकुलर वाउचर्स पे पर्टिकुलर। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।